मेरा नाम अजय था और आप देख रहे हैं टेलर गाइड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पैरल फिक्स मशीन के बारे में रिव्यू कराएंगे और भाई से ये पूछेंगे ये क्या क्या काम करती है और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इसके रेट के बारे में भी भाई से पूछेंगे और ये मशीन आपको चला कर दिखाएँगे कि ये कैसे काम करती है। जी अस्सलाम वालेकुम यानवर, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आपने यार भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ये जो मशीन है ये क्या क्या काम करती है और ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? इसके साथ हम अपाए के ऊपर, लेडीज़ पैंट के ऊपर, जैकेट के ऊपर, लेडीज़ कपड़ों के ऊपर, सूटिंग के ऊपर इनके साथ मोती लगा सकते हैं। पांच साइज है इसके अंदर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, आठ नंबर और दस नंबर के मोती लगते हैं इसके साथ, पिन के साथ, जिस कलर का कहेंगे उस कलर का लग जाता है। इससे मोटे मोती भी लगेंगे, बारीक भी लगेंगे? वो जो मैंने आपको बताया चार नंबर, पाँच नंबर, ये साइज है मोती के, ये जो लगा हुआ ये पाँच नंबर साइज है, ठीक है। इससे छोटा भी होता है, इससे बड़े भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा भाई ने कहा ये लेडीज सूट के लिए, लेडीज सूट जो आजकल कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं उनको ये मोती वगैरह लगते हैं, और अबाए हो गए, मोती लेडीज सूट हो गए, इनके लिए ये साइज वाइज मोती होती हैं इनके पास, ये लगते हैं। अभी आपको ये चला के भी दिखाएंगे और इसकी प्राइस के बारे से भी आपसे भाई से इंफॉर्मेशन लेंगे। जी भाई, ये आपने मशीन कितने की है और कहाँ से परचेज की? ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान से भी मिल जाती है और बाहर से इम्पोर्ट भी की जा सकती है। पाकिस्तान में दो कंपनीज हैं, एक एफजेड वाई है जो इम्पोर्ट करती है मशीन और दूसरे ठोकर के ऊपर एक कंपनी है, ठीक है, वो इम्पोर्ट करके हमें देते हैं। अगर आप डायरेक्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इसकी डॉलर्स के अंदर कीमत है $2000 की मशीन है, ठीक है। अगर आप इसको पाकिस्तानी फीस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में पाकिस्तानी फीस कर देंगे, तो आपको डॉलर में आ जाएगी कीमत पाकिस्तानी फीस में, ठीक है। तो सही है, ज़रा आपसे पूछा था भाई, इसके साथ ये जो कंप्रेसर रखा हुआ है ये कब, ये ऑटोमेटिक है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होता है? ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर हवा का प्रेशर होता है 100 पाउंड टोटल, ठीक है। जब 60 पाउंड के ऊपर हवा आएगी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कि इसकी हवा कब हो गई है, तो प्रेशर बहुत चलना शुरू होता है। ये प्रेशर से लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जब इसकी हवा कम हो जाए तो फिर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है? जी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता। तो ये कब, ये कहाँ से पता लगता है कि हवा का प्रेशर कम हो गया है या ज़्यादा हो गया? वो कंप्रेसर के साथ उधर मीटर लगा हुआ, उधर लिखा होता है कितने पाउंड इस वक्त हवा है, ठीक है। अगर जैसे 60 पाउंड से नीचे आएगी ऑटोमेटिकली वो कंप्रेसर शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो भैया इसमें ये बॉक्स में ये क्या चलता है इसके नीचे? ये पिंज वगैरह है, यहाँ से सर्कुलेट होकर वाइब्रेशन के साथ, ये देखें ये अब सर्कुलेशन होने लग गई है, ठीक है। इसी तरह ये इधर से थोड़ा सा घूम के पिन, ये इधर आपके इधर आ जाएगी, ठीक है। इधर से ये घूम के लाइन वाइज इसमें आ जाता है, वो देखिए वो अब इधर से मैं सेट करूँगा तो वो दबाऊँगा तो वो इधर से पिन बाइंड करती, ठीक हो गया। ये हमें ज़रा फिर चला के दिखाएं, आपको बताया कि नीचे ये पिन वगैरह लगती है और ये देखेंगे ऐसे पंच होता है। बताता है, देखिए ना जैसे जैसे मैं पंच करता जा रहा हूँ वो अंदर काउंटिंग में ज़्यादा होता जा रहा है। आपको पूरे दिन की लिमिट का पता चलेगा कि मैंने आज दिन में कितने ये लगाए। जी ऐसे ही है। जी बहुत शुक्रिया भाई इन्फॉर्मेशन देने का। देख रहे हैं टेलर गाइड यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।